आंध्र प्रदेश के तिरुपति में ऑक्सीजन की कमी से कम 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया, तो यहां कलेक्टर ने इन मौतों की पुष्टि की है। तो इसी बीच कलेक्टर एम हरिनारायण ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी से 11 मरीजों की जान चली गई। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी अस्पताल के पास एक टैंकर है और एक और टैंकर सुबह तक पहुंच जाएगा। तो मामले में मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जांच के आदेश दिए हैं और घटना तिरुपति के रोइया अस्पताल की बताई जा रही है, तो जिसे सरकारी कोविड अस्पताल बनाया गया है। और हालांकि यहां दूसरे मरीजों का इलाज भी चल रहा था। कलेक्टर 11 मौतें होने की बात कह रहे हैं, जबकि अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर भारती का कहना है कि 9 कोरोना मरीज और 3 नॉन कोविड मरीजों की जान गई है, तो यहां इस हिसाब से 12 मौतें होती हैं और जबकि 5 मरीजों की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है, और ऐसे में मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।